नमस्कार सबको। मैं अपने वर्कर भाई हुआ, अपने एसएस स्टाफ का, अपनी डीएलएफ टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कितनी समय निकाला है। अभी हम लोग इतना वर्कर्स हैं, इतने स्टाफ हैं, इसके लिए इकट्ठा हुआ है यहाँ पर सिर्फ एक जागरूकता अभियान के लिए, है ना। इसलिए हुआ है ना कि अगर 10 मिनट भी एक आदमी का आप देखोगे तो कितना घंटा बन जाता है। हम कितनी कंपनियों में काम भी करके आए हैं, कुछ कंपनी है जो सुरक्षा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। अभी मैं सुन रहा था ये बोल रहे थे कि गेट पास छीन लेते हैं, तो चल रहा था ना ऐसा, किसके लिए छीनते हैं वो गेट पास, अपने लिए छीनते हैं, किसके लिए। भाई मैं तो मानता हूँ हमारे जो वर्कर है वो ये सोचते हैं सेफ्टी वाले हमारे दुश्मन। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब पिता और माता होते हैं ना सर पे हमारे, तो हमें जगह जगह पे टोकते हैं। क्यों टोकते हैं? कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए। क्या आप में से भी कितने लोगों की शादी हुई होगी जो जिनके बच्चे भी होंगे, क्या अपने बच्चे को गलत रास्ते पे जाने देते हो आप लोग? और इतना वर्कर बैठा है, कोई एक वर्कर बताए जी मेरी उंगली टूटी हुई है, कोई एक वर्कर बताए मुझे जी मेरी उंगली टूटी हुई है। मेडिकल चेकअप होता है आप लोगों का? क्यों होता है? किसके लिए लाख रुपए में डॉक्टर बिठा रखा है? किसके लिए? चोट लगती है ना आदमियों को, आप लोग यही घूमते हो यही रहते हो, कितने लोगों को चोट लगती है? किसके लिए फैसिलिटी दी है कंपनी ने? सिर्फ आपके लिए, मेरे हमारे स्टाफ के लिए, हमारे लिए, ताकि हमें अगर चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो हमारा वर्कर को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। उसको साथ के साथ जितना कहते प्राथमिक हेल्प हम लोग कर सकते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं उतनी साथ के साथ हम लोग उनको मदद करते हैं। तो कभी भी ये चीज किसी के दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि अगर मेरे को कोई सेफ्टी वाला अगर बोल रहा है तो मुझे बुरा लगता है। ये चीज थोड़ा अपने दिमाग से ना हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि उनको आप ये सोचो, अगर हम कहते हैं ना काम करते हुए भगवान देख रहा है, बोलते हैं ना ये बात, भगवान देख रहा है, क्या भगवान आके बचा देगा हमें? ये हमेशा ध्यान रखो, आप अपनी सुरक्षा खुद करना है सबसे पहला काम। दूसरा काम है, अगर कोई सुरक्षा कर्मचारी आपको बोलता है तो वो उसके लिए ही उसे रखा गया, उसको कोई काम नहीं है, मतलब नहीं है कि कंक्रीट डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे, शटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, वो तो बस आएगा आपको बार बार बताता रहेगा। सुबह भी आधा पौना घंटा टीबीटी में देते हैं ना हम लोग, चाहे मैं कहूँ 15 मिनट क्यों नहीं देते, देते हैं ना। किसके लिए देते हैं? सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए, ताकि जो वर्कर है उनको थोड़ी अवेयरनेस रहे, चाहे वो स्टाफ है उनको भी अवेयरनेस रहे कि हमें कैसे सुरक्षित काम करना है। नहीं तो कोई कई कंपनी काम कर रही है, आप चंडीगढ़ में कहीं भी चले जाओ, मतलब ही नहीं उनको सुरक्षा से। कंपनी अगर 1000 रुपए का सामान मुझे दे रही है तो किसके लिए दे रही है? मेरी सुरक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए नहीं। तो आप काम करने आए हो, सुरक्षित आए हैं हम लोग, सुरक्षित ही घर वापिस, कोई ना कोई तो मेरा भी इंतजार कर रहा है मेरे घर पे। अगर ये चीज आदमी के दिमाग में है ना, वो कभी गलत काम नहीं करेगा, ठीक है। काम हम यहाँ भी करेंगे, काम हम सामने वाले ठेकेदार के पास भी कर सकते हैं, काम की कमी नहीं होती। बट अगर एक आदमी का हाथ टूट गया तो ना यहाँ काम कर पाएगा ना वहां, फिर उसको घर ही बैठना, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग सोचो, जब काम करना है हमें सुरक्षा से काम, ठीक है जी। चलो धन्यवाद।